जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा है गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी के साथ मेरी प्यास भी बढ़ती जा रही है। मैं यहाँ खेत पर काम करने के लिए आया था, दूर दूर तक कोई पानी नहीं है पीने के लिए। अरे ये सोनिया जी, ममता दीदी, मायावती जी और प्रियंका मटके में पानी भरकर ला रही है, इन्हीं से पानी मांगता हूँ। सोनिया जी, ममता दीदी, रुक जाओ रुक जाओ। बोलो मोदी जी, क्या बात है, बताओ क्यों रोक रहे हो आप हमें? अरे आप लोग गर्मी के दिन तो देख ही रही हो कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और जैसे जैसे दोपहर ही बढ़ती जाती है प्यास भी बढ़ती जाती है। मैं यहाँ खेत पर काम करने के लिए आया था, बहुत तेज प्यास लगी है, मटके में से अपने पानी पिला दो। अरे मोदी जी, 5 किलोमीटर दूर से हम मटके में पानी भरकर ला रहे हैं इस भयंकर गर्मी में और आप कह रहे हो कि हम पानी पिला दें, फिर हम क्या करेंगे? आपको अगर पानी पिला देंगे घर, क्या ये खाली मटका लेकर जाएंगे हम? अरे ममता दीदी, इतना ज्यादा पानी थोड़ी मांग रहा हूँ, थोड़ा सा ही तो मटके में से पानी मांग रहा हूँ कि मेरी प्यास बुझ जाए बस। सोनिया जी, आप मुझे पानी पिला दो। अरे राहुल भी आ गया। अरे मम्मी, बहुत तेज प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो, इस मटके को उतार कर पिला दो पानी। अरे मेरे बेटे राहुल, तू इतनी गर्मी में यहाँ पर कहाँ पर फिर रहा है? देख रहा है कितनी तेज लू चल रही है, घर जाकर बैठ, वहीं पर पानी पीना चलकर। लेकिन मम्मी जी, प्यास तो मुझे यहाँ पर लगी हुई है, इस मटके को नीचे उतार कर मुझे यहीं पर पानी पिलाओ। मोदी जी, आप कैसे खड़े हुए हो यहाँ पर? राहुल, इस बार गर्मी के दिन बड़ा मुश्किल से कट रहे हैं। राहुल, मुझे भी बहुत तेज प्यास लगी है, बहुत तेज गर्मी लग रही है, इसीलिए मैंने सोनिया जी और ममता दीदी से थोड़ा सा पानी पीने के लिए मांगा, लेकिन ये पानी देने से मना कर रही है। मम्मी, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, आप मुझे और मोदी जी को पानी क्यों नहीं पिला रही हो? देख रही हो कितनी गर्मी है। अरे मम्मी, मोदी जी और राहुल भैया को चलो पानी पिला देती है, अपने पास तो 2 मटके में पानी है, एक मेरे पास एक आपके पास, थोड़ा ये पानी पी भी लेंगे तो क्या हो गया? गर्मी में किसी भी प्यासे को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। प्रियंका, तुम्हारे विचार बहुत उच्च हैं, तुमने बहुत अच्छी बात की, रास्ते में किसी को भी प्यास लगी हो उसे जरूर पानी पिलाना चाहिए। लो मोदी जी, मेरे सर पर से मटका उतरवा लो और पानी पी लो, मैं पानी पिलाती हूँ आपको। और भाइयों को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, सही से बांधो, सही से बांधो, दबाओ इस गेहूं के गट्ठे को। राहुल, तुम बिल्कुल सही तरीके से नहीं दबा पाते हो, मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हो तुम। अरे अपना लोगों ने अमित शाह जी के गेहूं की खेत की कटाई का ठेका लिया है, उन्हें जल्द से जल्द गेहूं की कटाई करके देना है। क्या बताऊं मोदी जी, मैं तो भरपूर मेहनत कर रहा हूं, आप सही तरीके से मेहनत कर ही नहीं पा रहे हो। बांधो इस गेहूं के रोल को सही तरीके से, जोर लगाओ, आप गेहूं को सही तरीके से इकट्ठा करके बांध ही नहीं पा रहे हो। राहुल, मैं नहीं बांध पा रहा हूं, ये तुम नहीं बांध पा रहे हो, मैं तो तुम्हें काम पर लाकर फंस गया, बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो तुम। लगता है अमित शाह जी की सही टाइम तक कटाई हो ही नहीं पाएगी, 5 दिन का वक्त मांगा है मैंने उनसे कि 5 दिन में तुम्हारी गेहूं की कटाई करके दे दूंगा सारी की सारी। लालू जी, तुम पीछे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, कोई काम नहीं करते हो आप, ऐसी खड़े रहते हो। ये बताओ मोदी जी, मैं और क्या करूं, जितना मेरा करने का है काम मैं उतना कर रहा हूं, आप दो लोग मिलकर गेहूं को इकट्ठा करके बांध नहीं पा रहे हो जबकि मैं अकेले कटाई करता रहता हूं। अभी गेहूं की कटाई करके हटाऊं, थोड़ी देर आराम भी नहीं करने दोगे? पता नहीं मोदी जी, मम्मी जी भी कितनी देर में पानी लेकर आएंगी, मैंने कह दिया था खेत पर जैसी 12 बजे आप पानी लेकर आ जाना, बहुत प्यास लगती है दोपहर में। मेरे बेटे देख, मैं पानी लेकर आ गई, पीले पानी तू आ, पीले पानी आकर देख, अभी 11:58 हुए, 12 भी नहीं बजे, 12 बजे से पहले पहले मैं पानी लेकर आ गई। अरे मोदी जी, राहुल, तुम दोनों लोग इकट्ठे होकर भी गेहूं को सही तरीके से नहीं बांध पा रहे हो, ये देखो मैं अकेले ही गेहूं को इकट्ठा करके बांध दे रहा हूँ। अरे योगी जी, आप बांध तो दे रहे हो लेकिन आप गेहूं के छोटे छोटे से रोल बना रहे हो, देखो हमने कितने बड़े बड़े रोल बनाए। अरे मोदी जी, कल को अमित शाह जी से कह देना कि गेहूं की कटाई हो चुकी और हमने गेहूं के सारे रोल भी बना दिए, अब वो थ्रेसर मंगा ले और थ्रेसर से गेहूं को थ्रेसिंग करके गेहूं को निकाल ले। राहुल भाई, से बुरा मत मानना, गेहूं की कटाई करने में भी बहुत मेहनत है, गेहूं की खेती बड़ा मुश्किल खेती है। लगता है मैंने अमित शाह जी से गेहूं की कटाई का ठेका सस्ता ले लिया, लगता है घाटा हो जाएगा। घाटा तो हो ही जाएगा मोदी जी, जब उल्टे सीधे ठेके लेते फिरोगे, 500 रुपए में 5 बीघा खेत की कटाई का ठेका लिया है आपने, घाटा तो हो ही जाएगा, 100-100 रुपए भी नहीं आएंगे अपना लोगों पर। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, खेत की जुताई शुरू कर दी, तुमने कौन सी फसल की तैयारी कर रहे हो? इस बार अपने खेत में कौन सी फसल लगाओगे? राहुल, तुम, सोनिया जी और प्रियंका बहुत ही कठिन परिश्रम करती हो, बहुत ज्यादा मेहनत करती हो। मोदी जी, ये बताओ, अगर खेतों में मेहनत नहीं करेंगे तो खेतों में फसल कैसे लहराएगी? बिना मेहनत के कुछ थोड़ी मिल जाता है, इसीलिए जितना हो पड़ता है उतनी मेहनत करते हैं हम।
भाई जी राहुल तुमने बताया नहीं इस बार खेत में कौन सी फसल लगाओगे। अरे मोदी जी भिंडी की फसल लगाऊंगा, भिंडी बो रहा हूँ इस बार मैं खेत में। अरे पड़ोस वाले गांव में केजरीवाल ने भिंडी की खेती करके अच्छा खासा पैसा कमा लिया, तो मैंने सोचा मैं भी भिंडी की खेती करूंगा। मेरे हिसाब से राहुल अगर तुम टमाटर की खेती करते तो बहुत ज्यादा फायदा होता तुम्हें। अरे पड़ोस वाले गांव में ही तुमने लालू जी का तो नाम सुना ही होगा, उन्होंने पिछले साल टमाटर की खेती की थी, बहुत तगड़ा फायदा हुआ उन्हें टमाटर में। मैं तो टमाटर की खेती करूंगा इस बार। राहुल तुम बैल खरीदने के लिए कह रहे थे, बैल नहीं खरीदे तुमने? सोनिया जी और प्रियंका जी बहुत मेहनत करती हैं। अरे योगी जी क्या बताऊं, हाथ में पैसा रुक ही नहीं पा रहा है जिससे बैल खरीदूं। फसल तैयार होके आती है सारी की सारी कर्जे में चली जाती है। अरे योगी जी एक बात बताओ, बिना मेहनत के कुछ है? हर किसी को इतनी मेहनत करना चाहिए तभी तो फसल अच्छी पैदा होगी। मोदी जी आप अपने खेत में इस बार कौन सी फसल लगाओगे? प्रियंका तुम तो जानती हो मैं हमेशा अपने खेत में लौकी की सब्जी लगाता हूँ। लौकी की सब्जी के अलावा मुझे कोई भी फसल करने में मजा नहीं आता। चलो अच्छी बात है राहुल तुम भिंडी की खेती करो, हम तो यही सोचते हैं कि भिंडी की खेती में ही तुम्हें अच्छा फायदा हो जाए। और सोनिया जी प्रियंका थोड़ी देर के लिए तुम हट जाओ, मैं और योगी जी दोनों लोग हल्को खींच लेते हैं, थोड़ी सी तुम्हारी सहायता करा देते हैं हम दोनों लोग। हाँ मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, थोड़ी देर सोनिया जी और प्रियंका हट जाओ, हम दोनों लोग इस हल्को खींच लेते हैं, आपकी थोड़ी मेहनत करा देते हैं, आप इतनी मेहनत मत करो। मम्मी जी प्रियंका थोड़ी देर के लिए हट जाओ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, ये मोदी जी योगी जी कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए हल्को ये खींच लेती है। अपने गांव की इसी भाईचारे के लिए तो मिसाल दी जाती है, अपने गांव में हर आदमी एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता है। अरे राहुल ये मदद कर दी है तो हमारा फर्ज है, इतना काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम हमारा काम नहीं करवा देते हो खेतों पर। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।